अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हमारे साथ मैम ज़ारिया मुश्ताक मौजूद हैं जिन्होंने कि CSS 2018 में ऐसे में 80 मार्क्स हासिल किए। तो मैम, आज जो आपसे हमारा सवाल था वो ये था, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि क्या हम CSS कर सकते हैं, क्या हमारे में एबिलिटी है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड बिल्कुल हमज़ा, हर कोई कर सकता है CSS, ठीक है। इसमें कोई ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी ये क्वालिफिकेशन हो या आप इस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हों या आपका ये बैकग्राउंड हो, नहीं। द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ दैट यू नीड टू हैव यू नीड टू डू ग्रेजुएशन, ठीक है, वो एक रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको दो तीन चीज़ों की ज़रूरत है, वो है कि आप डेडिकेशन दें, कमिटमेंट दें, ठीक है। आप कितने सीरियस तरीके से CSS के लिए पढ़ते हैं, आप किस तरह से अपना स्केड्यूल बनाते हैं, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, कौन सी बुक्स आप यूज़ करते हैं, उसके लिए आप गाइडेंस लीजिए। आई एम ऑल्सो हियर, मैनी ऑफ माई कॉलीग्स आर गाइडिंग स्टूडेंट्स, तो मैं भी अक्सर स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज आती हैं बताती हूँ कि जी ये रेलिवेंट बुक्स हैं, इनसे आप पढ़िए। तो बिल्कुल आप ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, ये मैं कहूँगी कि CSS के साथ साथ आप थोड़ी सी और ऑप्शंस भी नज़र में रखिए, बैकअप ऑप्शंस होनी चाहिए हर एक के लिए, बिकॉज इट्स यू नो वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम्स इन द कंट्री, राइट। तो वो नथिंग इज़ सर्टन, कुछ आप कह नहीं सकते हो, लेकिन जी कर हर कोई सकता है, मेहनत करें और बिल्कुल क्यों नहीं, इंशाल्लाह आपका भी CSS क्लियर होगा और आप भी एलोकेट होंगे और आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।